ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮੁੜ ਈਡੀ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਈਡੀ ਨੇ ਮੰਗੀ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ। ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ। ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਚੱਕੇ ਸਵਾਲ। ਕਿਹਾ ਜੇ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਇਆ ਘੁਟਾਲਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਪੈਸਾ? ਈਡੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਮਾਮਲਾ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਕੋਈ ਦਖਲ। ਆਪ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਫੋਨ। ਪੈਸੇ ਵਾਈ ਪਲੱਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਟਿਕਟ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆਫਰ। ਆਪ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਪਲਟਵਾਰ। ਬੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ 25-25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਫਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ 5,000 ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦਰਜ ਨੇ ਪਰਚੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਵਿਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਗੋਵਿੰਦਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਰਗ ਮੋਕਲਾ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਸਗਿਆ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂਚਾ ਮਨਾਪਾਸੂਨ ਸਵਾਗਤ ਆਣਿ ਆਪਲਾ ਸ਼ਿਵਜਯੰਤੀਚਾ ਸਗਿਆਨਾ ਸ਼ੁਭੇਚ੍ਛਾ। ਆਜ ਸ਼ਿਵਜਯੰਤੀਚਾ ਅਤਿਸ਼ਯ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨੀ ਆਜ ਆਪਲੇ ਸਗਿਆਂਚੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਅਭਿਨੇਤੇ गोविंदाजी यांचं आज शिवसेनेमध्ये मी मनापासून स्वागत करतो। त्यांचं मनापासून अभिनंदन। खूपच अतिशय डाऊन टू अर्थ असलेले आणि सगळ्यांना आवडणारे आणि सगळ्या समाजामध्ये लोकप्रिय असलेले गोविंदाजी यांचं मी पुन्हा एकदा स्वागत करतो आणि त्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो आणि त्यांना शुभेच्छा देतो। आणि आपण जरा आमचे पत्रकार मित्र आहेत, नमस्कार, प्रणाम, जय महाराष्ट्र। मी आदरणीय शिंदे साहेबांच, आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेबांच मी धन्यवाद देतो। तसेच शुभेच्छा प्रदान करतो। आजच्या या दिवशी मी ही मला असं वाटतं की देवापासून मिळालेलीच कृपा आहे व प्रेरणा आहे। मी 2004-09 सुरुवातीला पॉलिटिक्स मध्ये असताना बाहेर पडल्यावर मला असं वाटलं होतं की आता पुन्हा कदाचित मी या बाजूला दिसणार नाही, परंतु 10 पासून 24 या 14 वर्षाच्या वनवासानंतर सुरुवात रामराज जिथं आहे तिथेच त्याच पक्षात आदरणीय एकनाथ साहेबांच्या कृपेनं आज मी पुन्हा या पक्षात आलोय। आई पाय ही प्रार्थना आहे की या शुभेच्छा या मनापासून आपण सगळ्या दिलेले कृपा त्याला मी इमानदारीनं मी कसं पार पाडेल अशी आई पायी प्रार्थना करतो। विश्वाने देव सवित दुरिता आणि परासव यद भद्रम त्यांना असावा।
त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमय बंधनान् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात् कालहर दुःखहर दारिद्रहर कष्टहर रोगहर हर हर महादेव। गोविंदा शिवसेना शिंदे गुट के शामिल होए ने एकनाथ शिंदे जिहड़े महाराष्ट्र के सीएम ने उन्हां वल्लों गोविंदा नूं पार्टी के ज्वाइन करवाया गया है। पहला गोविंदा कांग्रेस पार्टी के शामिल होए सी और 2004 दे विच कांग्रेस ने उन्हां नूं एमपी की टिकट दित्ती सी और उस वेले उन्होंने राम नायक नूं हराया सी। राम नायक उस वेले एक बहुत वड्डा चेहरा सी जिन्हां नूं गोविंदा ने शिकस्त दित्ती सी। 5 साल गोविंदा एमपी रहे और उस तो बाद दोबारा उन्होंने चोन नहीं लड़ी, वो सत्ता तो दूर हो गए पर कांग्रेस पार्टी के नाल किसी ना किसी रूप दे विच जुड़े रहे और हुण उन्होंने शिवसेना का पल्ला फड़िया है और जिस तरीके नाल शिवसेना दे विच आए ने उम्मीद है कि शिवसेना तो वह अगले दिनों दे विच उम्मीदवारी लैके लोग सभा चोणों के मैदान च नितरदे नज़र आउणगे। गोविंदा बॉलीवुड के एक दिग्गज कलाकार ने और 2 दहाकों तक उन्होंने बॉलीवुड दे विच अपना सिक्का कायम रख्या है ते हुण दुबारा ये उन्हां दी सियासत दे विच दूजी पारी है। पहली पारी उन्होंने 2004 तो 2009 तक खेडी सी जिस वेले एमपी रहे सी ते हुण ओह दूजी पारी की शुरुआत सियासत दे विच करदे नज़र आ रहे ने। ते खबर पंजाब दे नाल जुड़ी हुई है। पंजाब दे विच साबका मंत्री मलकीत सिंह बिरमी ने कांग्रेस दे विच वापसी की है और साबका MLA लव कुमार गोल्डी भी कांग्रेस दे विच वापस आए ने। लव कुमार गोल्डी कांग्रेस दे विच शामिल होए ने, प्रधान राजा वड़िंग की मौजूदगी दे विच शामिल होए ने। दोनों आगू पिछले समय दे विच इन्हां वल्लों पार्टी छड्डी गई सी और हुण वापस पार्टी का पल्ला फड़िया है। मलकीत सिंह बिरमी जदों 2002 पंजाब दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार सी 2002 तो 2007 तक उस वेले मलकीत सिंह बिरमी जिहड़े ने वो मिनिस्टर दे अहुदे ते रहे ने कैप्टन सरकार दे विच। उस तो बाद वो हौली हौली वखरा रस्ता अख्तियार कर गए। लव कुमार गोल्डी भी पिछले समय दे विच कांग्रेस छड के दूजी पार्टी च गए सी ते हुण उन्हां ने कांग्रेस दे विच वापसी कीती है। उस तो बाद निरंतर मनीष तिवाड़ी जी दे नाल पार्टी दे इधर उधर प्रोग्राम ते पहुंच जांदे सी क्योंकि मन दे विच कांग्रेस पार्टी सी ते अज उन्होंने फैसला असी सारे ने किया कि क्यों ना दोबारे पार्टी दे अंदर उन्हां नूं रीज्वाइनिंग कराई जाए। सो असी इन्हां दोनों साथियों नूं यादव साहब जी की प्रेजेंस ते मनीष तिवाड़ी जी ते तमाम साडे वरिष्ठ लीडर साहबान साढ़े MP साहब अमर सिंह जी भी आए ने, असी उन्हां सारे लीडर की हाजरी के असी इन्हां नूं दोबारा जियाया कहने और दोबारा अज इन्हां नूं मुढ़ली मैंबरशिप अज असी इन्हां नूं देंगे और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कराने। कल मैंने कहा था कि नारा 400 पार का, लेकिन कैंडिडेट सारे ही उधार का, सारा कैंडिडेट उधार का है तो अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूं जिस प्रकार से टिप्पा टिप्पणी हो रही है, जो व्यक्ति पार्टी छोड़ के चले गए आज इधर कल उधर, आप जरा नीचे पढ़िए लोग क्या लिख रहे हैं। मैं तो चाहता हूं कि जो जाना जो उसने फेर बदल करनी है ऐसे लोगों को कर लेना चाहिए और इस बार जनता बहुत समझदार है, आप देख लेना फैसला क्या होगा। देश के अंदर ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी जो रात को इधर अभी पार्टी की सदस्यता है और सुबह उठ के किसी पार्टी के में शामिल हो जाते हैं। हमने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं शामिल करा है। आपके सामने 14 साल पार्टी 2014 में रहे, सेवा करी आ रहा है, हमारा ये भी नहीं है कि आप। गल करते हैं MP सिमरजीत सिंह मान दी जिहड़े दोबारा संगरूर तो चोन लड़न जा रहे ने। संगरूर तो मौजूदा MP ने सिमरजीत सिंह मान ते एक बार फिर चोन मैदान दे विच नजर आउणगे। पंजाब ते हरियाणा तो श्रोमणी अकाली दल मान ने 7 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। हरियाणा के करनाल ते कुरुक्षेत्र तो भी पार्टी चोन लड़ेगी। पटियाला तो पार्टी ने प्रोफेसर महेंद्रपाल सिंह उम्मीदवार बनाया है। लुधियाना तो अमृतपाल सिंह छंदड़ा टिकट दी है। जम्मू कश्मीर ते चंडीगढ़ तो भी उन्होंने कहा कि पार्टी चोन लड़ेगी। सिमरनजीत सिंह मान वालों खुद यह ऐलान किया गया। अरविंद केजरीवाल मुड़ ED की रिमांड ते ने, अदालत ने केजरीवाल का रिमांड वधाया है 1 अप्रैल तक। अरविंद केजरीवाल का
रिमांड वधाया गया है, यानी 1 अप्रैल तक वह ईडी की रिमांड से रहेंगे। कथित शराब घोटाले के ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया है और केजरीवाल ने अदालत के अज गिरफ्तारी से सवाल चके। उन्हें खुद अदालत के अपना पक्ष रखिया, इस गिरफ्तारी गलत दसिया, नजायज दसिया और उस तो बाद अदालत ने पूरी सुनवाई होने तो बाद फैसला राखवा रख लिया। तो कुछ देर बाद उन्हां दी जिहड़ी रिमांड सी उस च वाधा कर दिता गया 1 अप्रैल तक। अरविंद केजरीवाल नूं मुख्यमंत्री दे अहुदे तों हटाउण दी मंग करन वाली अर्जी दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दित्ती। हाई कोर्ट ने कहा कि मामला सीधे तौर ते विधान पालका नाल जुड़िया है ते संविधान च अजिही कोई तजवीज़ नहीं कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दे अहुदे ते नहीं रह सकते। हाई कोर्ट ने कहा कि आप मुझे संविधान के अंदर वो आर्टिकल दिखाइए, कानून की वो धारा दिखाइए जो ये कहती हो कि मुख्यमंत्री अगर हिरासत में हो तो वो मुख्यमंत्री नहीं रह सकते। एक पासे कोर्ट ने इस पूरे मामले नु लेके संविधानिक तौर ते केजरीवाल नु राहत दित्ती ते नाल ये भी कह दिता कि जेकर लोड़ होवे ता दिल्ली दे उपराज्यपाल इस मामले च अपने विशेष हक का इस्तेमाल कर सकते ने। उधर भाजपा आगुआ ने इस मसले ते मोर्चा खोल दिता है। अरविंद केजरीवाल को इस संवैधानिक संकट पैदा करने का भी दोषी माना जाना चाहिए और संवैधानिक विशेषज्ञों को बैठकर, क्योंकि माननीय कोर्ट ने भी आज कहा कि इस पे तो संवैधानिक विशेषज्ञ लेंगे डिसीजन। एक पासे अदालत तो राहत ते दूजे पासे सियासी पद्धर ते विरोधियों का हमला केजरीवाल दे लई हजे हालातों नूं सौखा नहीं दस रहा। हाल ही कांग्रेस छड़ बीजेपी च शामिल होए रवनीत बिट्टू वालों एक बड़ा दावा किया। बिट्टू ने कहा कि लोकसभा चोणों तो बाद पंजाब ते दिल्ली दियां सरकारां डिग जाणगियां, एक एक करके सारे विधायक उन्हां दा साथ छड़ देंगे। जिद्दण लोकसभा दियां चोणां खत्म होईआं तुसीं दोनों जगह देखोगे कि MLA चाहे वह दिल्ली दे होण चाहे पंजाब दे होण दोनों सरकारां टुटणगियां। बिट्टू ने दावा किया कि आप दे बहुत सारे विधायक उन्होंने नाल इस बारे च गल करते ने। दोनों सरकारां जिहड़ियां इन्हां दी लोकसभा चोणां बाद टुटणगियां, MLA इन्हां नूं छड़ भज्जणगे, बहुत MLA ने जिहड़े साडे नाल इह गल्लां करदे रहिंदे। लुधियाणा तो MP रवनीत बिट्टू 2 दिन पहला ही कांग्रेस छड़ के भाजपा च शामिल होए ने। हुण इन्हां दा इह दावा किस पासे इशारा करदा है, इह तां लोकसभा चोणां तों बाद ही साफ होएगा। आतंकी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड मामले च कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के तेवर नरम पै गए। कतल की जांच नूं लैके बयान देंदे हुए ट्रूडो ने कहा कि वह भारत के नाल रचनात्मक रूप नाल काम करना चाहते हैं। ट्रूडो ने कहा कि कैनेडा च कैनेडियन नागरिकों का कतल बहुत गंभीर मामला है ते कैनेडियन नागरिकों की सुरक्षा साड़ी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि जिन्हां भरोसेयोग आरोपों च भारतीय सरकार के एजेंट शामिल होने की गल कही गई है उसने सानू हल्के च नहीं किया सी। वो मामले दी तह तक जाना चाहते ने ते भारत सरकार दे नाल जांच करना चाहते ने। जिक्र होया कि ट्रूडो ने आरोप लाया सी कि निज्जर दी हत्या च भारत दा हथ है, हालांकि भारत ने इन आरोपों नूं खारिज किया सी। इस नाल दोनों देशों दे विच राजनीतिक संबंध खराब हो गए। ते लोकसभा चोणां तों पहलां केंद्र सरकार ने मनरेगा दे तहत काम करन वालियां नूं इक वड्डा तोहफा दित्ता। केंद्र ने मनरेगा मजदूरी की दर के 3 से 10% तक का इजाफा किया और इस संबंध च नोटिफिकेशन जारी कर दिता गया। नवीं दर के मुताबिक हर सूबे च हुण मजदूरों नूं ज्यादा मजदूरी मिलेगी। सब तो ज्यादा मजदूरी दर गोवा दे विच वधाई गई है। गोवा च 10.56% का वध तो वध वाधा होया। उत्थे उत्तर प्रदेश च महज 3.04% का वाधा किया गया। इस तरह पंजाब दे विच हुण मनरेगा के तहत 322 रुपए मजदूरी मिलेगी। मनरेगा मजदूरों के लिए नवीं वेतन दर 1 अप्रैल 2024 तो लागू होंगिया। 1 फरवरी नूं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आम बजट पेश किया सी, जदों इस बजट च उन्होंने मनरेगा के बजट च वाधे का ऐलान किया सी। साल 2023-24 के मनरेगा का बजट लगभग 60,000 करोड़ रुपए सी, जिसनों वित्ती वरे 2024-25 के लिए 86,000 करोड़ रुपए कर दिता गया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के घर किलकारी गूंजी है। उन्हां दी धर्मपत्नी वालों
ਧੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨੇ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਖੁਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸੀਐਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਮਾਰਚ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਇੰਡੋ ਪਾਕ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੇ 2 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਰਅਸਲ ਸਾਲ 2022 'ਚ 2 ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਬਾਲ ਸੁਧਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੋਨੋਂ ਨਾਬਾਲਿਗਾਂ ਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਬਾਲ ਸੁਧਾਰ ਗ੍ਰਹਿ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਟੂ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਟੂ ਐਕਸਪੈਡਾਈਟ ਦ ਮੈਟਰ। ਦੀ ਮੈਟਰ ਵਾਸ ਟੇਕਨ ਅਪ ਵਿਦ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਟਰ ਸਾਰਾ ਕੰਕਲੂਡ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਮੱਤਾ 'ਚ ਕਾਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਈਕ 'ਤੇ 2 ਬਦਮਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਇੱਕਦਮ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੋਲੀ ਦਾਗ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਜ਼ਖਮੀ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਭਰਮਲ ਮੇਂ ਇੱਕ ਪੁਜਾਰੀ ਕੋ ਮਾਰ ਦਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਆਜ ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਡੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਾ ਸ਼ਰੀਆਮ ਆ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੋ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਮੇਂ ਇਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਰੋਸ ਹੈ ਔਰ ਤੈਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ ਉਹ ਪਕੜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਏ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਖੁਦ DIG ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜੋ 2 ਇਸਮੇਂ ਘਟਨਾ ਮੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਜੋ ਅਸੀਲੈਂਟਸ ਥੇ ਵੋ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਔਰ ਉਨਕੋ ਉਨਕੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਉਨਕੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਉਨਕੀ ਪਾਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹਿਸਟਰੀ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹਮ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਪੜੋਸੀ ਰਾਜਿਓ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਸੇ ਵੀ ਇਸਮੇਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਆ ਹੈ। UPSTF ਸੇ ਹਮ ਲੋਗ ਲਗਾਤਾਰ ਟੱਚ ਮੇਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਜੋ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਸਸੇ ਵੀ ਹਮ ਲੋਗ ਟੱਚ ਮੇਂ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ SIT ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ CCTV ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।